नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिंस आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल, एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। गावा के पांडेटी में नरकंकाल मिलने से इलाके में मची सनसनी। दो सप्ताह से गायब था अधेड़, मचा कोहराम। भाजपा नेताओं ने जगह जगह सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। अलग अलग बूथों पर भाजपा पदाधिकारी रहे मौजूद। कहा, देश और जनहित में काम कर रही है केंद्र सरकार। इंडिया गठबंधन की बैठक में मणिपुर हिंसा का उठाया गया मामला। 1 अगस्त को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना देकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का तैयार हुआ मसौदा। बिंगबाद के करणपुरा में मनाया गया विश्व मानव तस्करी दिवस। लोगों को दी गई इससे संबंधित जानकारियां। इधर पीरताड़ के छिड़की स्कूल में आयोजित हुआ गोष्ठी और रैली कार्यक्रम। मानव तस्करी को रोकने की कही गई बात। और शांतिपूर्ण तरीके से शहरी क्षेत्र में कई स्थानों पर मनाई गई मुहर्रम का त्यौहार। विभिन्न स्थानों पर हुआ शानदार अखाड़ा कॉम्पिटिशन। मुस्लिम समाज के लोगों ने किया उदमा खेल का प्रदर्शन। उत्साह से भरा रहा माहौल। और अब खबर विस्तार से। दो सप्ताह पहले गायब अधेड़ का नरकंकाल खेत की झाड़ियों में मिलने से रविवार को सनसनी फैल गई। कावा थाना क्षेत्र स्थित पांडेडी मुसरिया से दो सप्ताह पहले गायब 60 वर्षीय मनु मुशहर के शरीर का कंकाल मालजा के पास नदी के बगल में खेत की झाड़ियों से बरामद किया गया। रविवार की शाम वहां नरकंकाल होने की सूचना पर लोग पहुंचे। मृतक की पत्नी ने कपड़ा चप्पल आदि के आधार पर उसकी पहचान की। मृतक के 3 पुत्र व 4 पुत्री। घटनास्थल पर परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। मामले को लेकर गावा थाना में गुमसुर्खी का सलहा दर्ज करवाया गया था। परिजनों के द्वारा कंकाल व कपड़े देखे जाने की सूचना प्रशासन को दी गई। भाजपा नेताओं के द्वारा रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 103वें एपिसोड को देखने और सुनने की व्यवस्था मकतपुर समेत अन्य स्थानों पर की गई थी। इस दौरान पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुनुकांत, किसान मोर्चा के दिलीप वर्मा, ओबीसी नेता विनय सिंह, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव सहित अन्य नेताओं ने बूथ स्तर पर अपने अपने आवास से कार्यालय में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देखने और उनकी बातों को सुना। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास से जुड़े संदेश, अपनी संस्कृति और भावी योजनाओं के बारे में हर एक व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने का कार्य करते हैं। इधर भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने सियाताड़ में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ पीएम की मन की बात को सुना। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की मन की बात हम लोगों ने सामूहिक रूप से सुनने का काम किया है। कई वार्ड के और बूथ लेवल के हमारे साथी एक साथ हम लोगों ने मन की बात सुन करके काफ़ी हम लोग को आत्मगौरव का अनुभव हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो फोकस दिखाया है कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनको किस तरह से तराशने का काम हमारी सरकार कर रही है और सबको उसमें
सहभागिता निभानी है। साथ ही उन्होंने जो हज यात्रा में जो मुस्लिम महिलाओं ने जो उनको पत्र लिखा था उसका भी उल्लेख किया उन्होंने, और कई तरह की जो बातें हैं जो देश हित की बात, इसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखारविंद से सुनकर के काफ़ी मन संतुष्ट हुआ है। हमको उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के संदेश को लोग घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 103वां एपिसोड था और बूथ संख्या 9-10 जो बरगंडा का इलाका है, उस इलाके के हमारे सभी सम्मानित जो समर्थक हैं, पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, एक साथ बैठ करके हम लोगों ने मन की बात के कार्यक्रम का आनंद लिया। निसंदेह ये एक महज कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री अपने धरोहर, अपनी संस्कृति और अपनी भावी योजना, सभी चीज़ों का समेकित प्रयास करते हैं कि जनता के बीच जाए मन की बात के कार्यक्रम से। इसका बहुत ही न केवल ये आनंद है, बल्कि इससे बहुत ही लाभ है। बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात का 103वां और एपिसोड था, और इस एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के संबंध, देश और दुनिया से संबंधित कई प्रकार की बातों को रखे, जिसका शुरू से ही और विभिन्न विषयों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के बीच और कई प्रकार की समस्याएँ, कई प्रकार की स्थितियाँ और उपलब्धियाँ, इन सब बातों को प्रधानमंत्री जी ने जनता के बीच रखा है। आज गरीब के रूप में आज ये मन की बात के शोर के माध्यम से और देश की जो उपलब्धियाँ उसके बारे में उन्होंने बताने का काम किया है। मैं आज इस संदर्भ पर माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी मन की बातों को करते हैं, आज उसी कार्यक्रम के तहत बेंगाबाद मंडल के बूथ नंबर 166 सुरवाद में हम पहुँचे हैं और यहाँ की जनता के साथ मोदी जी की मन की बात सुन। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी का यह कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता, ये कार्यक्रम में वो ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बारे में या देश में जो अच्छी हो रहा है इस विषय पर वो चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से देश की जनता को एक बेहतर और कल हमारा देश आगे बढ़े, इस संबंध में कैसे बढ़े, इस संबंध में वो जनता से रूबरू होते हैं। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का आज 103वां एपिसोड मन की बात को हम सभी कार्यकर्ताओं ने अपने पार्टी के वरिष्ठ साथी श्रीमान चुन्नू कांत जी के आवासीय कार्यालय में सुना। ये कार्यक्रम जो है पूरे देश को हर महीने के आखिरी इतवार का इंतजार रहता है कि आज मोदी जी क्या बोलेंगे, और इसी में वो सामयिक विषयों को चर्चा करते हैं युवाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से, किसानों से। तो ये देश के लिए बहुत ही ऊर्जा देने का काम करता है उनका जितना भी संबोधन होता है। मैं इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी का तहे दिल धन्यवाद किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो युवाओं के प्रति तलाशने एवं तराशने की बात को रखी, यह बहुत ही युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणादायक बात थी, और उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर की भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान देने का काम किया। इनके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करती हूँ कि सभी महिला बहनें इनकी बातों को सुन करके और लाभान्वित। गिरिडीह के नए परिषदन भवन में रविवार को इंडिया गठबंधन की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने की। बैठक में मुख्य रूप से मणिपुर राज्य की हालात के पिछले दिन महिलाओं पर हुए अत्याचार पर केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाना और उदासीन रवैया के विरोध में 1 अगस्त को
गिरिडीह उपायुक्त के समक्ष दिवस धरना के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लिया। बैठक में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा, झामुमो नेता शहनवाज अंसारी, जॉकी सिंह सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस जिले की पहली बैठक आज संपन्न हुई। 1 अगस्त 2023 को पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में इंडिया अलायंस बैनर के तहत जो राजनीतिक दल हैं इसमें शामिल, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मणिपुर की घटना पर जो 2 माह पहले मणिपुर में जो घटना घटित थी महिलाओं के साथ, साथ ही पिछले 4 महीने से मणिपुर में जो अराजक स्थिति है और पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री इस पर जवाब देने से भाग रहे हैं, कतरा रहे हैं, और सरकार का जो रवैया है इससे स्पष्ट दिखता है कि मणिपुर की घटना पर सरकार, केंद्र सरकार कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, कोई समाधान खोजने के मूड में नहीं है। इससे प्रतीत होता है इसका कोई ना कोई राजनीतिक मकसद उनका लाभ लेने का है। इसके विरोध में इंडिया अलायंस के तमाम राजनीतिक दल के साथी कार्यकर्ता अपने एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र की सरकार को महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक अपनी ज्ञापन अपनी बातों को पहुंचाएंगे कि केंद्र की जो कर्णी निद्रा में सोई सरकार है इस पर संज्ञान लें तत्काल, और जो भाजपा शासित मणिपुर की सरकार है उसे बर्खास्त किया जाए, और वहाँ पर जो दोषी व्यक्ति हों उस पर कठोर कार्रवाई हो, और देश की जो संप्रभुता है, जो देश के कानून है उसकी रक्षा हो और सम्मान बचे, देश की महिलाओं का, दलित आदिवासी और जो अल्पसंख्यक पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है उस पर रोक लगे, मरहम की जरूरत है। आज इसी को लेकर एक बैठक हुई इंडिया अलायंस के तहत, और परसों 1 तारीख को एक बड़ा विशाल धरना और प्रदर्शन मणिपुर को लेकर स्मारणालय के बाहर आयोजित किया गया है। इसमें हम सभी गठबंधन के साथी सम्मिलित होंगे और पूरी ताकत के साथ केंद्र सरकार की खामोश रहने की जो नीति है उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अलायंस की बैठक हुई और उसमें केंद्र सरकार की जो नीति है या केंद्र सरकार की जो जनविरोधी नीति है उसके खिलाफ हम लोग एक आवाज़ उठाएंगे, और ख़ासकर मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर भाजपा सरकार है, केंद्र सरकार एकदम चुप है, खामोश है, उसी के विरोध में हम लोग समारणालय के सामने सभी पार्टियां, जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, जो सच्ची पार्टियां हैं, एकत्रित होकर जो फाइट करने वाली पार्टियां हैं, तमाम लोग वहां पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेगा और उनकी जो सच्चाई है वो बताएंगे कि देश को वो किस गर्त में ले जाए। गिरिडीह परिषदन भवन में टीम इंडिया की एक बैठक हुई और मणिपुर की जो घटना है, जो मणिपुर जल रहा है उसको लेकर के चर्चा की गया है। क्या क्या है, 1 अगस्त को यहाँ पर समाहरणालय के सामने मणिपुर को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री मणिपुर को नहीं देख रहे हैं, पूरे देश में इस तरह का विरोध प्रदर्शन होगा तो उनका ध्यान शायद इसमें आ जाए। रविवार को विश्व मानव तस्करी दिवस मनाया गया। यहां प्राथमिक विद्यालय बारासोली के प्रांगण में मुखिया राजेंद्र वर्मा की उपस्थिति में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन नई दिल्ली एवं वनवासी विकास आश्रम गिरिडीह के द्वारा विश्व मानव तस्करी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों से जुड़ी महिलाएं, विद्यालय के शिक्षक, बच्चे, आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका के साथ साथ ग्रामीण युवाओं ने भाग लिया। विषय प्रवेश कराते हुए वनवासी विनोद कुमार ने कहा कि आज मानव तस्करी देश के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। यहाँ के भोले भाले अभिभावकों को वेतन देने के नाम पर तो शादी के नाम पर लड़कियों की तस्करी की जाती है, इनका शारीरिक शोषण किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 40,000 बच्चों की तस्करी किया जाता है, जिसमें लगभग 11,000 का कोई पता नहीं चल पाता है। इसे रोकने के लिए हम सभी को जागरूक होना चाहिए, शिक्षित तो होना होगा। पंचायत के मुखिया राजेंद्र वर्मा ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ के बेटियों को लालच प्रलोभन देकर बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ले जाकर बंधुआ मजदूरों के जैसे व्यवहार किया जाता है। हमारी बेटियों को गलत काम के लिए मजबूर किया जाता है, उसे वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह लड़कों को बंधक बनाकर कठोर से कठोर काम करवाकर मजदूरी नहीं दिया जाता है और उसका जीवन कष्टमय हो जाता है।
इसलिए इस मुद्दे को रोकने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। हम सबों को जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि ऐसे दलालों के चुंगल में ना फंसे। अपने बच्चे बच्चियों को शिक्षित बनाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेश गोप, वार्ड सदस्य लक्ष्मीकांत, शिक्षक मनोज कुमार, SHG समूह की दीदी कंचन देवी, आरती देवी, बाल मंच से जुड़े विकास तुरी, दिलीप ठाकुर, विकास सिंह आदि का सराहनीय योगदान रहा। आज हम लोग के स्कूल में बाल विवाह के रोकथाम के टीम आए थे। हम लोग को बताया गया कि कब कितना उम्र में शादी करना है, कितना उम्र में नहीं, उम्र से पहले शादी नहीं करना है, यही बताया गया। और जहाँ पर अगर कम उम्र में शादी हो रहा हो तो वहाँ पे रोकने के लिए भी बोला गया। और बनवासी विकास आश्रम गिरडी के द्वारा तथा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस के अवसर पर छिरकी प्रखंड के कस्तूरा बालिका आवासीय विद्यालय में गोष्ठी, रैली तथा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वार्डन सरिता सिंह ने अपने भाषण से किया। सरिता सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पीरटांड आदिवासी बाहुल्य प्रखंड है। तस्कर गैंग के लिए यह प्रखंड काफी संवेदनशील प्रखंड है। नौकरी के नाम पर फर्जी शादी रचाकर बच्चियों को बड़े शहरों में ले जाया जाता है। कस्तूरबा की बच्चियों को लगातार इस बात से सावधान किया जाता है, किसी के बहकावे में लोभ लालच में नहीं फंसता है। जो बच्चे एक बार तस्करी का शिकार होते हैं उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है, इसलिए बेटियों को सतर्क रहने की जरूरत है। कस्तूरबा की छात्रा मधु कुमारी ने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम से हम छात्रों को बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल यौन शोषण के बारे में काफी जानकारी दी गई। हम सबको इन चीजों से बचने के लिए सशक्त होना पड़ेगा। बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश शक्ति ने कहा कि बाल तस्कर गिरोह से सावधान रहने की जरूरत है। झारखंड में बाल तस्करी एक गंभीर मुद्दा है। झारखंड के कई जिले जिससे प्रभावित है। गिरिडीह में भी नियंत्रण बाल तस्करी हो रही है। कभी ठगी विवाह कर तो कभी नौकरी का झांसा देकर गरीब बच्चियों को फंसाया जाता है। बाल तस्करी के शिकार बच्चियों के साथ एक बड़ा कारोबार जुड़ा हुआ है। भीख मंगवाने, यौन व्यापार और अंग प्रत्यारोपण का गैर कानूनी धंधा किया जाता है। झारखंड के तस्करी प्रभावित जिले में दुमका, पाकुड़, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग आदि जिले मुख्य रूप से शामिल है। तस्करी के शिकार अधिकांश बच्चे गरीब घरों की है। पिछले 8 सालों में झारखंड के विभिन्न जिलों से 4,765 नाबालिग लापता हुए थे। इस संबंध में पुलिस के पास शिकायत भी पहुंची, जिसमें 3,997 बच्चे बरामद हुए, जबकि 768 बच्चे अभी भी लापता है। यह आंकड़ा वर्ष 2015 से 2022 तक का है। पुलिस की और NCRB के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में प्रत्येक साल कभी 500 से अधिक तो कभी 400 से अधिक नाबालिग लापता होते हैं। 2021 के आंकड़ों के अनुसार 123 लोगों को बलपूर्वक काम कराने के लिए अपहरण किया गया था, जबकि 4 का शारीरिक शोषण और वैश्यावृत्ति के लिए, वहीं 108 लोगों की मानव तस्करी घरेलू काम के लिए तथा 9 लोगों की मानव तस्करी बलपूर्वक शादी के लिए की गई थी। इस तरह के आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का मामला साल दर साल गंभीर बनता जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने रैली निकालकर बाल तस्करी बंद करो, बाल यौन शोषण बंद करो, सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करो के नारे लगा रहे थे। बच्चों ने बाल विवाह न करने का शपथ भी लिया। कार्यक्रम के सहयोगी वार्डन सरिता सिंह, शिक्षिका सीता सिंह, शारीरिक शिक्षिका ज्योत्सना रानी, CSW चांदनी मरांडी, अजय पंडित, सुनील तिवारी, छात्रों में पार्वती, आरती, रीना, प्रीति, जोली, विनीता, संजना, ममता रानी, अर्चना शामिल थी। आज देखिए मानव तस्करी दिवस है, उसको बड़े धूमधाम से सभी संस्थाओं में या विद्यालय में मनाया जाता है। हमारे कस्तूरबा विद्यालय में भी मानव तस्करी के विरोध के पक्ष में कुछ संस्था बाल संरक्षण की टीम आई और हमारे विद्यालय को अपना कार्यक्रम देके जागरूक की और बच्चियों को इतना जागरूक की और पूरा प्रोग्राम में अच्छी से अच्छी उपलब्धियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके, इसके लिए बच्चियों को खूब विस्तार से बताया गया है कि बाल संरक्षण क्यों आवश्यक है और बाल विवाह नहीं करना है। लड़कों की उम्र और बालिकाओं की विवाह की उम्र कितनी है इसके बारे में बता के बच्चियों को विशेष रूप से जागरूक किया गया।
मानव तस्करी किया है। अब मानव तस्करी के साथ साथ हम कह सकते हैं महिला तस्करी, बच्चों की तस्करी, लड़कियों की तस्करी, है ना। तस्करी कहीं कहीं बाल व्यापार भी कहते हैं, महिला व्यापार भी कहते हैं, है ना। तो आज उसी का दिन है। हालांकि हम लोगों को रोज ये कार्यक्रम मनाने की जरूरत है और रोज इस चीजों को प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। लेकिन आज चूंकि विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस है, इसलिए हम लोग आप अखाड़ा जुमन कमेटी की ओर से शनिवार रात मोहनपुर में अखाड़ा कंपटीशन कराया गया, जिसमें 11 टीमों ने हिस्सा लिया। यहां मुख्य अतिथि के तौर पर डीएसपी संजय राणा उपस्थित हुए। अन्य अतिथियों में पंचम्मा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, वार्ड पार्षद नूर अहमद, अखाड़ा कमेटी के सदर समीम अंसारी, सेक्रेटरी सोनू अंसारी, मोहनपुर अंजुमन सदर इस्लाम अंसारी, सेक्रेटरी हाजी कबीर अहमद समेत कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सिटी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर मोहम्मद चांद को सम्मानित किया गया। बाद में मोहम्मद चांद ने तमाम अतिथियों का इस्तकबाल किया। यहां आफ्ताब मेमोरियल क्लब को अखाड़ा खेल में प्रथम पुरस्कार मिला। वहीं तेलोडी की टीम को द्वितीय और YGP क्लब बिसनपुर को तीसरा पुरस्कार दिया गया। मुहर्रम के मौके पर शनिवार की शाम जिले भर में अखाड़ा कमेटियों के द्वारा पारंपरिक हथियारों से अखाड़े का प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में बरवाड़ी करबला मैदान के निकट अंजुमन इस्लामिया द्वारा विशाल मंच का निर्माण करवाया गया, जहां अंजुमन के पदाधिकारी के अलावा शहर के कई गणमान्य लोग मंच पर आसीन थे। यहां मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनी उपस्थित थे। कमेटी के द्वारा अतिथियों को पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया गया। यहां 35 अखाड़ा कमेटी के द्वारा अखाड़े का प्रदर्शन किया गया। भाईचारे व आपसी सौहार्द के नाते कविता मेडिसिन के निदेशक मुकेश आनंद केसरी के द्वारा यहाँ अखाड़ा कमेटियों को सिर देकर उत्साहवर्धन किया गया। मंच पर कमेटी के पदाधिकारियों के अलावा मुकेश आनंद केसरी, कांग्रेस नेता सतीश एडिया, सदर आबिद गांधी, वार्ड पार्षद असद उल्ला तंजीर सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। कमेटी नरेंद्रपुर के द्वारा करबला मैदान में शनिवार शाम अखाड़ा कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, जीप सदस्य मुफ्ती सईद ने शिरकत की। इस दौरान मुफ्ती सईद साहब ने कहा कि यहां के कमेटी मेंबरान ने जो इज्जत बख्शी है, उसके लिए मैं हमेशा यहां के लोगों के प्रति हर दुख सुख में हमेशा खड़े रहेंगे। तो वहीं मुहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह दिन रात अपने दलबल के साथ मुस्तैद है और उनकी ओर से शांतिपूर्ण तरीके से आपसी भाईचारे के साथ सभी त्यौहार मनाए पूरी कोशिश की गई। ये है YBC नरेंद्रपुर। वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छे थे अंदाज में। पचम्बा में
अखाड़ा के दौरान सुंदर टांड निवासी शमशाद अंसारी को गहरी चोट लगी थी। रविवार को इसे धनबाद रेफर कर दिया गया था। बाद में असरफी हॉस्पिटल धनबाद पहुंचकर बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद ने सुंदर टांड के शमशाद अंसारी का हाल चाल लिया। बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद ने डॉक्टरों और अस्पताल के प्रशासन से बात करके शमशाद को बेहतर इलाज देने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने शमशाद के परिवार को हौसला दिलाया और कहा कि ये पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। निवासी मोहम्मद सरफराज को पुलिस ने बकरी चोरी के आरोप में रविवार को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी से पहले सदर अस्पताल में इसका मेडिकल जांच करवाया गया। बाद में इसे गिरिडीह जेल भेज दिया गया। बताया गया कि मोहम्मद सरफराज मुफस्सिल थाना क्षेत्र के योगी टाट से एक बकरी चोरी कर भाग रहा था। इस दौरान ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी। ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर मुफस्सिल पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद मुफस्सिल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां जांच के बाद कोर्ट में पेशी करते हुए जेल भेज दिया। बंगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी खरकडीहा की रहने वाली केसिया देवी रविवार को अपने परिवार से राजगीर मेले में बिछड़ गई। बताया गया कि महिला अपने परिवार के साथ राजगीर मेले में गई हुई थी। अपने परिवार से बिछड़कर महिला राजगीर बस स्टैंड आत्री सेड पर बैठी हुई है। महिला अपने परिवार का इंतजार कर रही है, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई नहीं आया। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि उनके घर वालों को कोई सूचना दे, ताकि वह अपने घर सुरक्षित पहुँच सके। गांवा के पांडेडीह में नरकंकाल मिलने से इलाके में मची सनसनी। दो सप्ताह से गायब था अधेड़, मचा कोहराम। भाजपा नेताओं ने जगह जगह सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। अलग अलग बूथों पर भाजपा पदाधिकारी रहे मौजूद। कहा, देश और जनहित में काम कर रही है केंद्र सरकार। इंडिया गठबंधन की बैठक में मणिपुर हिंसा का उठाया गया मामला। 1 अगस्त को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना देकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का तैयार हुआ मसौदा। बिंगबाद के करणपुरा में मनाया गया विश्व मानव तस्करी दिवस। लोगों को दी गई इससे संबंधित जानकारियां। इधर पीरताड़ के चिरकी स्कूल में आयोजित हुआ गोष्ठी और रैली कार्यक्रम। मानव तस्करी को रोकने की कही गई बात। और शांतिपूर्ण तरीके से शहरी क्षेत्र में कई स्थानों पर मनाई गई मुहर्रम का त्यौहार। विभिन्न स्थानों पर हुआ शानदार अखाड़ा कॉम्पिटिशन। मुस्लिम समाज के लोगों ने किया उदमा खेल का प्रदर्शन। उत्साह से भरा रहा माहौल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।